हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ के गेस कर लिया होगा कि मैं इस वीडियो पे आपको किस बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस, काफ़ी सारे जो है भाइयों के कमेंट आते हैं और इंस्टाग्राम पे वो लोग डीएम भी करते हैं कि यार हमारी आईडी जो है वो बंद हो गई है या फिर डिवाइस बैन हो गया है, तो उसको कैसे हम अनबैन करें। ठीक है, तो गाइस काफ़ी सारे दोस्तों को जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिनका डिवाइस बैन हो जाता है। कभी कभी जो है कुछ गेम की वजह से भी होता है कि गेम के इशू होते हैं। काफ़ी लोगों का बिना बात में आईडी बैन हो गया, डिवाइस बैन हो गया है, लेकिन कुछ लोगों ने जो है बाई मिस्टेक ली या फिर खुद से ट्राई करने के लिए अगर वो कभी कोई हैक यूज़ कर लेते हैं या कोई मोड एपीके यूज़ करते हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर वो यूज़ करते हैं तो भी उनका जो है डिवाइस बैन कर दिया जाता है। अगर आईडी बैन हो जाती है ना तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। देखो, आईडी बैन हो गई तो तुम दूसरा आईडी बनाकर खेल सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा डिवाइस बैन हो जाता है तो तुम दूसरा फ़ोन कहाँ से लेके आओगे, है ना, तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आईडी बैन तो हो जाती है तो यार ठीक है, दुख लगता है कि भाई काफ़ी मेहनत से आईडी बनाते हैं बंदे, आईडी का लेवल अप करते हैं 50 लेवल 60 लेवल, और अगर आईडी बैन होती है तो दुख लगता है। बट ज़्यादा दुख तब होता है कि भाई जब तुम्हारा डिवाइस बैन कर दिया जाए। ठीक है, तो आईडी चली गई तो कोई बात नहीं, दूसरी आईडी बन जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारा फ़ोन बैन कर देते हैं, वो डिवाइस का IMEI नंबर बैन कर देते हैं, तो दूसरा डिवाइस कहाँ से लेके आओगे मेरे भाई, है ना। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिवाइस को अनबैन कैसे करें। मैं यहाँ पे आपको सिंपली बताऊँगा कैसे आपको अपना डिवाइस अनबैन करना है, और मेक श्योर मैं बताता हूँ अपनी तरफ से कि यार ये 95% जो है वर्किंग रहेगा आपके डिवाइस में, क्योंकि मेरा डिवाइस जो है यहाँ पे फुली प्रॉपर वर्किंग है। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ करके नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, फाइल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जिसको आपको डाउनलोड करना है, कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना। अगर तुम स्किप करके देखोगे, आगे आगे करके देखोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम कुछ भी छोड़ दोगे, अगर मिस कर दोगे तो हो सकता है भाई जो मैं बता रहा हूँ वो तुम्हारे फ़ोन में वर्क ना करे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लेना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। डिवाइस अगर तुम्हारा अनबैन हो जाता है तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, तो गाइस देखो, आपको सिंपली क्या करना है, मैं आपको एक APK फाइल का जो है लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आपको वो APK फाइल डाउनलोड करनी है, वो फ्री फायर का ही APK रहेगा। ठीक है, लेकिन वो मॉडेड APK रहेगा जिसके अंदर जो है IMEI नंबर के चेंजेस हो रखेंगे। ठीक है, आपको वो APK डाउनलोड करना है, वो APK इंस्टॉल करना है। लेकिन APK इंस्टॉल करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना आपको कैसे कैसे कौन से स्टेप फॉलो करने हैं और आपका आईडी जो है वो, सॉरी आईडी नहीं, आपका जो डिवाइस है वो अनबैन कैसे होगा वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, कोई भी आपका अगर फ़ोन है बैन हो गया है तो इससे आपका जो फ़ोन है वो अनबैन हो जाएगा और आप अपने फ़ोन में न्यू आईडी बनाकर जो है खेल सकते हो, या अपनी किसी दोस्त की आईडी से भी लॉगिन करके आप खेल सकते हो। ठीक है, तो चलो जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान से देखने हैं और फॉलो करने हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो है आपको अपने फ़ोन में जो आपका फ्री फायर है उस फ्री फायर की सेटिंग में जाना है। ठीक है, मतलब कि एप्लीकेशन जो है फ्री फायर की उसकी इन्फॉर्मेशन में जाना है। ठीक है, जिसे ऐप सेटिंग्स बोलते हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐप सेटिंग्स में आपको ले आता हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे फ्री फायर जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये मैंने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो आपके फ़ोन में भी ये फ्री फायर होगा अगर आपका डिवाइस बैन हो चुका है, तो ये वाला फ्री फायर आपके फ़ोन में वर्किंग नहीं रहेगा। ये वाला फ्री फायर जैसे ही आप ऑन करोगे वो बताएगा आपका डिवाइस बैन है, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो सिंपली आपको जो है ये फ्री फायर को अनइंस्टॉल करना है। लेकिन अनइंस्टॉल करने से पहले आपको एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है, तो पहले वो देख लो, उसके बाद इसको अनइंस्टॉल करना। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने फाइल मैनेजर में। यहाँ पे फ़ोन का फाइल मैनेजर भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर आप जेड अर्काइवर भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए जेड अर्काइवर यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो इसे प्ले स्टोर में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जेड अर्काइवर पे आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना जो है एंड्रॉयड फोल्डर दिखता है, यहाँ पे ये वाला एंड्रॉयड फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ये डाटा फोल्डर है, डाटा फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको OBB फाइल मिलेगी, ये वाली।
आप देख सकते हो com.dts.freefire.ph, ये फोल्डर मिलेगा, इस फोल्डर पे आपको क्लिक करना है और इसको रीनेम करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे लिखा है com.dts.freefire.th, अभी आपको इसको रीनेम करना है। इसके आगे आप कुछ भी लिख दो, जैसे कि मैं 7 लिख देता हूँ, 8 लिख देता हूँ, कुछ भी आपको एक दो नंबर लिख देना है, जिससे कि ये वाला फोल्डर यहीं पे सेव रहे और ये जब आप गेम को अनइंस्टॉल करोगे तो ये फोल्डर आपका डिलीट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको जो फाइल दे रहा हूँ, जो APK आपको ऐप दे रहा हूँ, जो APK फाइल रहेगी, उससे जस्ट आपको इंस्टॉल करना है, तो उसके बाद आपको जो है ये डाटा दोबारा से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो है ये जो OBB डाटा फाइल है, यहाँ पे जो फोल्डर है, इसको रीनेम कर लेना है, ठीक है। रीनेम करने के बाद आपको ओके कर देना है। तो मैं यहाँ पे जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है, क्योंकि मेरा डिवाइस वर्किंग है, मेरा बैन नहीं हुआ, तो मैं आपको लाइव नहीं करके दिखा सकता, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे 7 या 8 कुछ भी लिख के आपको सेव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट बता दिया आपको। उसके बाद ये सब करने के बाद जैसे आपने अपना यहाँ पे फोल्डर रीनेम कर लेना है, मैंने किया नहीं, आपको बताया है, ठीक है, ध्यान से इस बात को सुनना, मैं यहाँ पे आपको जैसा बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर को रीनेम करने का बता दिया, आपको फोल्डर रीनेम करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है अपने फ्री फायर में, ठीक है, अपनी फ्री फायर के एप्लीकेशन की सेटिंग्स में जाना है और यहाँ से आपको क्लियर डाटा नहीं करना, ठीक है, क्लियर डाटा बिल्कुल मत करना, जस्ट आपको अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है, ओके करना है और अनइंस्टॉल कर देना है। क्लियर डाटा नहीं करना, क्योंकि हमने जो फोल्डर है वो रीनेम कर लिया है, तो हमें क्लियर डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद गेम अनइंस्टॉल कर देना है आपको, सिंपल, जस्ट अनइंस्टॉल पे क्लिक किया, अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद मैं जो आपको फोल्डर दे रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, जो फाइल दे रहा हूँ मैं आपको, वो फाइल आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। तो जो APK रहेगा वो ये वाला APK रहेगा, फेक IMEI अनबैन डिवाइस वर्जन 1.52, ठीक है। तो ये वाला जो है आपको APK मिलेगा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये रहेगा करीब 135 MB का APK है, फुली मोडेड है, इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल के लिए आ जाएगा। सिंपली आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये वाला फेक IMEI अनबैन डिवाइस वाला APK इंस्टॉल करना है। ये मोडेड फ्री फायर है, ठीक है, फ्री फायर ही है, लेकिन ये क्या करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके डिवाइस का जो IMEI नंबर है वो चेंज कर देगा, ठीक है। बिना आपके फ़ोन को रूट किए ये किया जा सकता है, आपका फेक IMEI नंबर जो है चेंज हो जाएगा और आप अपने ही फ़ोन में फिर से फ्री फायर खेल पाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैं दो फाइल्स यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, दो फाइल है, एक है फेक IMEI अनबैंड डिवाइस के लिए, एक है ओरिजिनल APK। तो देख सकते हो जो ओरिजिनल APK है यहाँ पे, उसका साइज़ है 46 MB, ओके, और जो यहाँ पे फेक IMEI है उसका साइज़ है 135 MB। तो आप देख सकते हो जो ओरिजिनल वाली फाइल रहती है, जो APK रहता है, वो है करीब 40-45 MB का, जो मोडेड है वो 100 से लेकर 150 MB के बीच में है, क्योंकि वो मोडेड है, वहाँ पे आपका जो है IMEI नंबर डिवाइस का चेंज कर दिया जाता है, जिससे कि आप बिना रूट किए, बिना कुछ किए, आप यहाँ पे इसको सिंपली इंस्टॉल करके आप अपने फ्री फायर जो है अपने फ़ोन में खेल सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल से जो है कुछ स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो बातें ध्यान में रखनी है, आपको अपना एंड्रॉयड फोल्डर में जाके अपना जो है फ्री फायर का जो फोल्डर है उसको आपको रीनेम कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो फोल्डर है फ्री फायर वाला, ये वाला फोल्डर आपको इसको जो है रीनेम कर देना है। रीनेम करने के बाद आपको गेम को अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको APK फाइल दी है फेक IMEI वाली, उसको आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप अपना न्यू ID बना के जो है फ्री फायर अपने फ़ोन में खेल सकते हो। अपने उसी फ़ोन में जो डिवाइस आपका बैन किया है वो अनबैन हो जाएगा और आप उसमें खेल पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यार आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आपका डिवाइस अनबैन हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे
ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मेंबर्स हमारे हैं और एडमिन्स भी रहते हैं और मैं भी रहता हूँ। और कोई पर्सनल बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को यार मेक श्योर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनसे उनकी भी हेल्प हो सके। अगर उनका डिवाइस बैन हुआ है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। मिलते हैं शाम को लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए सबको गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। Make the streams louder.